हेलो दोस्तों, अगर आपको शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर की जोड़ी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वर्तमान में क्रिकेट खेलने वाला शुभमन गिल बहुत लोकप्रिय है। हाल ही में मुंबई के खिलाफ शुभमन गिल ने 129 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। छक्के और चौके लगाने वाले इस क्रिकेटर के प्रशंसकों की संख्या बढ़ती जा रही है। शुभमन गिल की निजी जीवन ज्यादा चर्चा में रहती है। शुभमन गिल को अक्सर एक्ट्रेस सारा अली खान और सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर से जोड़ा जाता है। आपको बता दें कि विश्व कप 2023 के फाइनल के बाद शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर शादी करने वाले हैं। दरअसल प्रशंसक हर बार शुभमन गिल को सारा सारा नाम से चिढ़ाते हैं। वास्तव में शुभमन गिल अपने प्रशंसकों की गुहारों पर कभी ध्यान नहीं देते, भीड़ को हाथ हिलाकर प्यार करते हैं। एमआई के खिलाफ 129 रन की शानदार पारी खेलने के बाद क्रिकेटर को फिर से सारा तेंदुलकर की टीम में शामिल किया गया। फाइनल के बाद बहुत से यूजर्स कहते हैं कि शुभमन गिल सारा तेंदुलकर से शादी करने वाला है। ये पहली नहीं है। इससे पहले सारा तेंदुलकर और शुभमन गिल के बीच की चर्चा अक्सर मीडिया में आई है। जब शुभमन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 208 रन बनाए थे तो इसके बाद कई ट्वीट सोशल मीडिया पर फैल गए। यह भी एक ट्वीट था जिसने सबका ध्यान खींचा। इस ट्वीट में बताया गया है कि सचिन ने शुभमन गिल और अपनी बेटी सारा तेंदुलकर की सगाई की घोषणा की है। ये खबरें बाद में झूठ निकली। यूजर्स इस ट्वीट को फिर से शेयर करके सोशल मीडिया पर विभिन्न मीम्स शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।